हाई अभिवान ये है ईजी इंग्लिश और आज का ईडियम है कंपेयरिंग एप्पल्स टू औरजेस अब ईडियम से ही पता चल रहा है कि आप शायद दो गलत चीजों को आपस में कंपेयर कर दे रहे हैं वो चीज़ें जो आपस में बिल्कुल मेल नहीं खाती बहुत डिफरेंट हैं तो मीनिंग की बात करें वन टू आइटम्स आर कम्पेयर विच आर एक्चुअली वेरी डिफरेंट फ्रॉम ईच आर दो मच सो दैट द कंपेरिजन लुक्स इन लॉजिकल कंपेरिंग द इनकम्पेरेबल यानी जिनका कंपेरिजन हो ही नहीं सकता है उन दो चीजों को जब आप कंपेयर करते हैं तो ये ईडियम यूज होता है कंपेयरिंग एपल्स टू ऑरेंजेस कहीं कहीं सिर्फ एपल्स एंड ऑरेंजेस करके भी यूसेज है आपको मैं यूसेज सेंटेंस स्ट्रक्चर में दिखाऊंगी किन्हीं दो चीजों के बीच में तुलना करना जो एक दूसरे से बिल्कुल अलग हो या अनुचित तुलना करना तो उसको कहते हैं कंपेयरिंग एप्पल्स टू ऑरेंजेस यूसेज में अक्सर कंपेयरिंग शब्द नहीं यूज होता क्योंकि आप बोलचाल की भाषा में अक्सर कह देते हैं कि अरे दीज आर एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यानी इनमें तो कंपेरिजन हो ही नहीं सकता ये तो अनुचित तुलना है सही कंपेरिजन नहीं है इनको कंपेयर करना गलत है क्योंकि ये बहुत अलग हैं तो ऑब्वियसली एप्पल्स और ऑरेंजेस तो बहुत अलग होते ही हैं उनमें कंपेरिजन कोई है ही नहीं Example, they are twins, but apples and oranges. This is why their mother never leaves them alone in the house. Yani, वो twins तो हैं, पर एक दूसरे से बहुत अलग हैं. Yani, apples और or oranges हैं. यही वजह है कि उनकी mom उन दोनों को कभी अकेले नहीं छोड़ती. क्योंकि possibility है लड़ने की या argument होने की. ठीक है? दूसरा example, you can't compare Gilbert with Jerry. They are surely apples and ऑरेंजेस यानी गिलबर्ट को जेरी से कंपेयर करना गलत है क्योंकि वो दोनों एक दूसरे से बहुत डिफरेंट है इसीलिए यहाँ पर ईडीएम यूज हुआ है देर शॉली एप्पल्स एंड ऑरेंजेस अगर इस सेंटेंस में मैं कंपेयर यूज करना चाहूँ तो मैं लिखूँगी योर शॉली कंपेयरिंग एप्पल्स एंड ऑरेंजेस लेकिन अगर आप सिर्फ ऐसे लिख देते हैं एपल्स एंड ऑरेंजेस तो भी सही है एक और एग्जाम्पल new mayor is way more patient than the former one they are apples and oranges both have a different approach towards the town too yani naya mayor jo hai wo zyada patient hai pichle wale se दोनों बहुत अलग हैं इसीलिए एप्पल्स और ऑरेंजेस यूज़ हुआ है और उन दोनों की अप्रोच टुवर्ड्स द टाउन यानी टाउन के प्रति भी बहुत डिफरेंट है तो जब दो डिफरेंट चीज़ों को आप कंपेयर करें तो एप्पल्स एंड ऑरेंजेस यूज करें चैनल कैसा लग रहा है आप मुझे ज़रूर बताएं कॉमेंट करके लेकिन उससे पहले लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जल्द ही मैं लाइव क्लासेस लूँगी और उन क्लासेस में अलग अलग स्टैंडर्ड्स uh, के सब्जेक्ट्स के सिलेबस के हिसाब से लेक्चर्स होंगे तो आप चैनल से ज़रूर जुड़े रहें और कोई सजेशंस हैं सुझाव हैं तो कमेंट सेक्शन का भरपूर यूज़ करें